चलिए आज बात करते हैं उनकी जिस तरीके से हर बार हम इन्हीं लोगों की बात करते हैं जो अपने खोए हुए प्यार को पाना चाहते हैं अपने रूठे हुए प्यार को मनाना चाहते हैं किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या फिर अपने प्रेमी प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन अक्सर हर किसी के हाथ सफलता नहीं लग पाती है उसका मात्र एक ही कारण होता है वह यहाँ वहाँ भटक कर थक जाते हैं या फिर उपायों को गलत तरीके से कर लेते हैं लेकिन हमारे द्वारा जो सटी कुपाय आपको बताए जाते हैं, वह गुरु माता जी के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं जिनको करने के बाद 100 प्रतिशत आपके हाथ सफलता लगती है यानी के आपका रूठा हुआ प्यार जल्द से जल्द आपके पास दौड़ा चला आता है आकर आपके सामने अपने प्यार का इजहार खुद कर देता है आज भी आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक प्रचंड महावशीकरण का उपाय लेकर शक्तिशाली उपाय लेकर जिसको करने के बाद आपका प्यार आपकी ओर दौड़ा चला आएगा बहुत सारी चीजों से आपने उपाय किए होंगे हर तरीके के उपाय मैंने आपको बताए होंगे लौंग से आपने उपाय किए होंगे नींबू से आपने उपाय किए होंगे साथ ही कपड़ों की पोटली बनाकर भी आपने उपाय किए होंगे लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको मात्र आवश्यकता होगी एक लाल रंग के कागज की उसके साथ ही आपको आवश्यकता होगी एक मार्कर की बहुत सटीक बहुत आसान उपाय है साथ ही शक्तिशाली उपाय है करने की विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा ठीक प्रकार से विधि को सुनकर उपाय करेंगे तभी इसका फायदा आपको होगा चलिए समय को बिना बर्बाद किए आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है आपको लेना होगा एक लाल रंग का कागज चोकोर कागज आपको लेना होगा इस तरीके से लाल रंग का उसके बाद आपको क्या करना होगा काले रंग के मार्कर से आपको इस कागज के ऊपर लिखना होगा अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम स्त्री है पुरुष को वश में करना चाहती है तो उनका नाम लिख ले पुरुष है स्त्री को वश में करना चाहता है तो उनका नाम लिख ले बहुत ही आसान उपाय है किसी भी दिन कर सकते हैं समय का ध्यान रखिएगा आपको सुबह पाँच से छः बजे के बीच में ही ये उपाय करना है इसके ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखिएगा उनका नाम लिखने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है मंत्र में आपको बता देती हूं कि कौन से मंत्र का आपको उच्चारण करना है ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा इस मंत्र का आपको सात बार उच्चारण करना है फिर उसके बाद इस कपड़े को अपने सीधे हाथ में रखना है और बारी बारी अपनी दोनों आंखों पर रखना है यानी कि इसके ऊपर आपने नाम लिखा हुआ है ऐसे रखना है फिर ऐसे रखना है फिर ऐसे रखना है फिर ऐसे रखना है ध्यान रखिए ये प्रक्रिया आपको सात बार दोहरानी है मंत्र का उच्चारण आपको ग्यारह बार करना है मंत्र के उच्चारण के उपरांत आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं तीन बार उस व्यक्ति का नाम लीजिएगा और जाकर इस कपड़े को कहीं कच्ची जगह गाड़ दीजिएगा गाड़ने के बाद अपने घर वापस आ जाइएगा पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखिएगा यकीन मानिए तीस मिनट के अंदर मात्र तीस मिनट के अंदर वह व्यक्ति आपको फोन करेगा और आपकी और इस तरीके से खींचा चला आएगा जैसे आप कभी उसके लिए तड़पे होंगे इस तरीके से तड़पता आपकी और चला आएगा इस चीज का ध्यान रखिएगा इस उपाय को आजमाया गया है बहुत से भक्तों ने इस उपाय को किया है और अपने मन चाहे अपने रूठे हुए प्यार को वापस हासिल किया है गुरु माता बहुत सी सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं उन सिद्धियों के माध्यम से आपका उद्धार करती हैं। अगर आप भी अपना उद्धार करवाना चाहते हैं किसी को वश में करना चाहते हैं खोए हुए प्यार को पाना चाहते हैं रूटे हुए प्यार को मनाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर बेझिझक होकर आप भी संपर्क कर सकते हैं जय माता दी